हाँ, आपने ही तो कहा था कि बकरा ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखते ही लोग समझ जाएं कि ये तानी बेगम का बकरा। इसलिए उसके गले में आपने मेरी तस्वीर लटका दी। बेगम, ये तो सोने का हार लग रहा है। मुझे भी लगता है, सिर्फ ये एक हार ही मिला था आपके घर वालों की तरफ से मुझे शादी में। देखता हूँ, आ रहा हूँ। उसके गले में आपकी खानदानी निशानी भी है। मैं उसी वक्त समझ गया भाई, हो ना हो ये तानी बेगम का ही बकरा हो सकता है। क्या वाकई तुम कसाई हो? होलिये से तो नहीं लगते। होलिये से तो आप भी शरीफ नहीं लगते। तानी बेगम के मेहमान हैं, तभी बर्दाश्त कर रहे हैं आपको। पहले सुबह बकरा कटेगा, इसके बाद में कसाई के हाथ काट करके आऊंगा। देखो मुजम्मिल, इस बकरे और इस सोने के हार की हिफाजत करनी है तुमने अपनी जान से ज्यादा। आप भी, तुम्हें पता है इस खानदान में सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि महंगे से महंगा जानवर खरीदना और खानदानी कसाई को बुलवा के उससे कटवा के उसके हाथ कटवाना। और ये सब जानते हुए भी तुम यहाँ आए। वाह भाई वाह, वाह वाह। आधार? अबे ये क्या आधार? लाखों की दिहाड़ी दे रहा हूँ और कह रहा है ये क्या आधार? जब तक मेरा हार नहीं मिलेगा इस घर में कुर्बानी नहीं होगी, कह दे रही हूँ मैं। और वो जानी को भी बता दो, कहाँ है वो? उस्ताद, 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 कमरे में भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। लो जी, चोर भाग गया और कसाई खुद चोर निकला। आइडिया अच्छा, इन बात दो टके का आइडिया बकवास, और आपसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। अरे भाई क्यों, क्या हो गया? देखो, पहली चीज तो ये कि हमारे खानदान में किसी ने भी ये काम नहीं किया, और दूसरी चीज ये कि तुम्हें इस बात का कौन सा तजर्बा है। मगर मगर अगर मगर छोड़े सुसर जी, इसमें आखिर मसला क्या है? अरे भाई, ये कसाई बनना कोई आसान काम है? इसके लिए तजर्बा चाहिए होता है, तजर्बा, जितना तजर्बा उस भगोड़े कसाई को था जो भाग गया। अरे भैया, वो खानदानी कसाई है। अच्छा अच्छा, खानदानी कसाई, यानी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा मतलब है, हम खानदानी कसाई है। ये राजा महाराजा उनके बकरे गाय कौन जबा करता था? हम। हाँ, राजा महाराजा। चलो, अगर ये बात है तो फिर ठीक है। तो ठीक है, फिर आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। हाँ ठीक है, लेकिन ये मेरी बेगम को ये बात पता ना चले। अरे ससुर जी, आप फिक्र ही ना करें, जब मम्मी जी घर से बाहर जाएंगी तब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो ठीक है, सारे मोहल्ले में ये बात फैला दो कि शाही कसाई आए हैं, ताकि लोग मुझसे अपनी कुर्बानी के जानवर जबा कराएं और हम माला माल हो जाए। माला माल। अबे यार, मुझे यहाँ बातों में लगा दिया तुम लोगों ने यार। नीचे बकरा अकेला खड़ा हुआ है, कोई ले ना जाए। आ रहा हूँ। इस मौके पे मुझे खाना यार, तुम्हें श्वासों में तो लग जाएगी। गाओ ना, अरे गाओ। मामा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उस कसाई ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वो तो इतने अच्छे खानदान का लगता था, हमने उसे इतनी सहूलत दी, और सबसे बड़ी बात, इतनी हैंडसम अमाउंट दी हमने उसे। अरे भाई, मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि देखने में तो बड़ा खानदानी लगता था, एक हार की खातिर उसने ऐसा क्यों किया? और बेटा, इसमें किसी और का भी बहुत बड़ा अमल दखल है, उसे भगाने और चोरी कराने में। क्या कहा? बताऊ अभी क्या कहा? माफ कर दे, असल में मेरे मुंह से निकल गया, मैं ये कहना चाह रहा था कि सही कहा, लेकिन गलती से सही के बजाय क्या निकल गया। बहुत गलतियां होने लगी हैं आपसे आजकल। क्या मामा, अब इसमें पापा का क्या कसूर है? कसूर है? कैसे नहीं है कसूर है? जब मैंने इनकी जिम्मेदारी लगाई थी कि बकरे की हिफाजत ये करेंगे, तो फिर लापरवाही क्यों की है? अब कुर्बानी होने से पहले पहले मुझे अपना हार वापस चाहिए, वरना मैं उसकी पूरी कीमत लूंगी, कह दे रही हूँ मैं बस। मुझे पता है बेगम, अगर हार नहीं मिला आपको ना, तो मैं अपनी जिंदगी से हार जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। लड्डू आया, चाय लाया गर्म गर्म। चाय तो ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे ईद में जोड़ा दिला रहे हो ना,
बाबा जोड़ा हाँ 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 दे रहा हूँ दे रहा हूँ। सच में? हाँ हाँ। हो जाओगे? हाँ। अपने पैसों से? हाँ। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ। वैसे भी शादी के बाद तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। हाँ, डार्लिंग फिक्र ही नहीं करो, इस मरतबा तुम्हें ईद पे जोड़ा भी मिलेगा, तुम्हें मैचिंग की सैंडल भी मिलेगी, ज्वेलरी मिलेगी और चूड़ियां भी मिलेंगी बिल्कुल मैचिंग की। और ये सब कुछ तुम अपने पैसे से लोगे? हाँ। पक्का? हाँ। पक्का? हाँ। पक्का? हाँ। मैं अभी जाती हूँ, मामा को बताती हूँ। हाँ? हाँ? मामा। हाँ? लड्डू अब क्या होगा, तूने बोल तो दिया, करेगा कैसे? ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे पाक का। ओहो, इस वक्त किसका टेलीफोन आ गया? हेलो, हाँ हाँ, मैं शाही कसाई बोल रहा हूँ। क्या कहा? ईद के दिन मैं नहीं आ सकता, ईद को रात के 12 बजे तक मैंने बकरे और गाय जबा करनी है, दूसरे दिन भी नहीं, हाँ तीसरे दिन आ जाऊंगा, मैं अपने दरबारी से कह दूंगा, वो तुम्हारा नाम लिख लेगा, ठीक है। बस अब पूरे मोहल्ले में बात फैल जाए कि शाही कसाई आ गया। आया आया लड्डू आया, लाया लाया पैसे लाया। अब्बा मोहल्ले वालों को पता चल क्या जाएगा? मोहल्ले वालों को पता चल गया, ये देखो पेश की एडवांस भी लाया हूँ। इसमें ना हमारा बराबर का हिस्सा होगा, ये ना लड्डू के क्लेवर माइंड का प्लान था। बिल्कुल अपनी माँ पे गया है, वो भी इसी तरह कहती है हिस्सा लूंगी। अरे मेरे लड्डू बेटे, वाह वाह वाह। बस अब तू जाकर चल जा, वो मोहल्ले में कह दे शाही कसाई आ गया, शाही कसाई आ गया, शाही कसाई आ गया, शाही कसाई आ गया, शाही कसाई आ गया। क्या वाकई आपके घर शाही कसाई आया हुआ है? जी जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो भाई फिर हमारी भी पेशगी कबूल कीजिए। शुक्रिया। भाई ये कौन है? हम शाही कसाई है। माफी चाहता हूँ जिल्ले हिलाई, माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिए। ये जिल्ले हिलाई, अरे ये तो खुद ख्वाजा सरा हैं। क्या? मेरा मतलब है कि ये तो खुद राजा महाराजा के यहाँ कसाई थे। अच्छा जी, बस एक बात का ख्याल कीजिएगा कि ईद के पहले दिन कुर्बानी हो जाए इस नाचीज के घर। ठीक है, तुम हमारे इस दरबारी से कह देना पूरी लिस्ट इसके पास है। जी बेहतर। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ये शाही कसाई से मालूम कर लेना। जी जी बेहतर बेहतर जनाब, बेहतर बेहतर। हाँ बस चलो ठीक है सही। अबे हो, अबे हो। क्या हुआ दरबारी? अबे क्या बकवास लगा रखी तुमने उसके सामने, तुम्हारा दिमाग तो खराब है दरबारी। अबे ओ ये बात अब बा मुलाहिजा होशियार खत्म करो अपनी, क्या लगा रखी तुमने ये क्या किया तुमने? घर दामाद। हेलो, मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ भाई। इसे तैयारी कहते हैं? क्या मतलब? सुसर जी, इसे तैयारी कहते हैं। अबे यार ये तो खानदानी कसाई लग रहा है बिल्कुल। खानदानी शाही? अरे हाँ भाई, पता है भाई, पता है मुझे, पता है शाही कसाईयों के खानदान से भाई। हाँ नहीं तो बस ज्यादा दिमाग ना खराब कर, चल तैयारी शुरू करो चलो। हाँ ठीक है। देखो पहले इसको यूं करते हैं। एक सेकंड, मैं जरा पानी पी के आ जाऊं। अरे सुसर जी, आप बेफिक्र होके यहाँ बैठिए और अपनी ट्रेनिंग कीजिए, मैं जाता हूँ और पानी लेकर आता हूँ आपके लिए। ठीक है, लेकिन मेरी बेगम को पता ना चले। बस आप फिक्र ही ना करें, मैं यूं गया और यूं ही पानी लेकर आया। सुनो गुलाम, हाँ जी, जब खाल उतारो तो बुगदे से ना उतारना, इससे उतारना आहिस्ता। ये खाल उतार रहा? हाँ, ताकि वो कटे नहीं वरना नहीं बिकेगी। चोर चोर
अरे जालिमो, अरे मैं क्यों नहीं मर गया? हाय जालिमो ने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। नहीं लड्डू, लड्डू उठो ना लड्डू। हाय लड्डू, लड्डू कर रही है। अरे जालिमो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। बेगम ये क्या किया आपने? मैं समझी कि कोई चोर है। अरे दिलों को चुराने वाला, मैंने सोचा भी नहीं था कि चोर की मौत मरेगा। हाय 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 हाय। अरे 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 अरे, मेरा लड्डू जिंदा है, मेरा लड्डू जिंदा है, मेरा लड्डू जिंदा, मेरा लड्डू जिंदा है। अरे बिल्कुल ताजा है लड्डू आपका। मगर लड्डू तुम चोरों की तरह वहां क्या कर रहे थे? चोरों की तरह? मम्मी जी मैं चोर तो भाग गया, भाग गया चोर। मगर लड्डू तुम्हारे सोनिया को क्या हो गया? हाँ हाँ, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। शायद चोर कपड़े चोरी करने आया था और कपड़े चुरा के भाग रहा था, तो इस बहादुर खातून ने उसके सर पे दे मारा डड़ाक। अरे ठीक तरह से बेहोश नहीं हुआ था वो, आप इधर निकली वो उधर भाग गया बाहर, बस खत्म यही हुई। और क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अरे होगा कोई तुम्हारे अब्बा जैसा बेवकूफ चोर है, इस वजह से कुछ नहीं ले गया। चलो अच्छा उठो लड्डू, ठीक हो तुम? उठो तुम कपड़े चेंज करो। अरे चलो तुम। मामा लड्डू आओ ना। अरे ठीक हो तुम, जल्दी कपड़े बदलो। लड्डू लड्डू, हमारे दरबार से कोई भी खाली नहीं गया। अरे बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की क्या बात है, आप ही का है। क्या मतलब? इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया, जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम शाही कसाई साहब, वो पहचाना ना मुझे? मैं सुबह आया था, आपने कहा था कि कोई काम हो तो मेरे पास जरूर आना। ठीक है कहो क्या बात है। जनाबे अली, वो मेरा बकरा चोरी हो गया। बकरा चोरी हो गया? जी। इसमें धाड़े मार के रो रहे हो, इतनी सी बात? क्या कह रहे हैं आप, ये इतनी सी बात है? कल ईद है, बकरा चोरी हो गया, कुर्बानी करनी थी, आप कह रहे इतनी सी बात? ठीक है मैं अभी आता हूं, एक मिनट। अरे असलम मेरी बात सुन गौर से, वो जो मैंने तुझे बकरा दिया था ना, मैं तुझे अभी एक SMS करूंगा, तू ये बकरा उसके घर पहुंचा देना और वो तुझे जितने रुपए दे मेरी अमानत समझ के रख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि ले उड़े। हाँ बस चुपचाप तू बस उसे जाके बकरा देना, बोला कि साहब ने भिजवाया है बस। हाँ बस चुप, फिर थोड़ी तुझे बताऊंगा, बनकर फोन बनकर, वक्त कम है सर, बनकर। कहो दरबारी तुम्हारा बकरा कितने का था? वो ज्यादा महंगा नहीं था, 20,000 रुपए का था। 20,000 रुपए का? जी। तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? तस्वीर हाँ हाँ, वो मोबाइल में है, ये लीजिए, बड़े प्यार से लिया था बच्चों ने मेरे साथ जाके। माफ करना दरबारी, ऐसा बकरा तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए में दिला सकता हूँ। ऐसा बकरा 10,000 में दिलवा सकते हैं आप? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुम फिर घर जाओ, तुम्हें बकरा पहुँच जाएगा। बहुत शुक्रिया शाही कसाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। अबे ओए बात सुन, मैं तुझे उस घर का एड्रेस भेज रहा हूँ, SMS कर रहा हूँ, तू उसके घर पे जाके बकरा लेकर आ जा। अबे वो नहीं जो हमने सुबह चुराया है, दूसरा बकरा, उसको छुपा ले जो उसके घर से लाए थे, दूसरा बकरा इसके घर पे लिया और 10,000 रुपए लिया। घर दामाद। अरे वाह यार, वाह 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 यार। एक बात, तुम्हारा अब्बा जैसा भी है
लेकिन दिमाग उसका बड़ा जालिम है भाई। मान गए ना, मैंने कहा था आप मान जाएंगे। मान गया भाई, मान गया। अब तो इतने पैसे जमा हो गए हैं, अब बेगम का हार यूं खरीद सकता हूँ यूं। ये सब मेरे अब्बा जी का कमाल है। हाँ, ये तो है, मान गया ये बात में। वाह 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 वाह। लड्डू लड्डू जल्दी आओ। वो हनी आया? आया। ओ, ससुर जी, हनी, मैंने ना उससे वादा किया था कि इस ईद पर उसको अपने पैसों से तोहफा खरीद के दूंगा। खुश हो जाएगी ना? ना, क्यों नहीं होगी भाई। जाओ जाओ जाओ। मैं यूं गया, यूं ही आया। जाओ 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 जाओ। अब मुझे भी आवाज आने वाली है। अरे गुलाम, बर्तन पड़े हुए धो लो। इससे पहले कि आवाज आए उधर ही निकल लो। लड्डू जल्दी आओ। जी, आपने बुलाया? तुमने मुझसे एक वादा किया था गिफ्ट का, तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है, मैंने बिल्कुल वादा किया था। मैं एक मिनट में आया। ओके, ये क्या है? लड्डू, ये तुमने लिया? इतना प्यारा ड्रेस। कैसा है? बहुत 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 प्यारा है लड्डू, तुम बहुत अच्छे हो। वो तो मैं हूँ, मुझे पता है। आप इतने दिन पहनेंगी ना? है ना? ओके। इसके पास पैसे कहाँ से हैं? अरे छोड़ो। चलो बस। लड्डू, क्या हो गया? कब कटेगा बकरा? बस अभी काटेंगे ना, थोड़ी देर में कसाई आता होगा। मैं वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम गुलाम भाई, ये दोबारा। अरे दोबारा के, अरे भाई मुबारक। बहुत बहुत ही मुबारक। अरे गुलाम भाई, मैं तो शुक्रिया अदा करने आया था। हाँ। कि तुम्हारे कसाई की वजह से बकरा मुझे आधी कीमत पर मिल गया। अच्छा, सच्ची? अरे रशीद भाई, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी भी। अरे भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अरे भाई, अरे भाई, हाँ हाँ यार। भाई आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी जी। ईद मुबारक आप सबको। ईद मुबारक भाई साहब। ये ईद वाले दिन आपने क्या हुलिया बना रखा है? भाई बात दरअसल ये थी कि गुलाम मेरे पास रोता हुआ आया और मुझे कहने लगा हमारा कसाई भाग गया है, आप कसाई बन जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं कसाई बन जाता हूँ, मजबूरी थी क्योंकि मेरा बेटा आपका घर दामाद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। बेगम, वो सोने का बाजार खुल जाए तो शाम को आपका हार भी आ जाएगा। हाँ। पैसों का इंतजाम हो गया है। हाय सच? हाँ? बस तो ठीक है, कुर्बानी की जाए। शुरू भाई, चल भाई छोटू, सामान निकाल। अल्लाह का शुक्र है पैसे। रुक जा, रुक रुक, ये तो महमूद, रुक। हैं, ये कहां से आ गया? ये कुर्बानी नहीं हो सकती, मैंने बता दिया। अरे भाई, ये तो सुना है हमने कि ये शादी नहीं हो सकती, ये कुर्बानी नहीं हो सकती, ये तो आज ही सुना है हमने। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैडम, इस शख्स ने मुझे भगाया था इस घर से और झूठ बोला था, कह रहा था इस घर में जब भी कुर्बानी होगी ना तो जो भी कुर्बानी करता है ना कसाई उसके हाथ काट देते हैं ये लोग। क्या? अरे अरे दुआ दीजिए इस छोटे को, ये मेरा मुखबिर था जो पल पल की खबरें देता था, ये चाल बाज झूठा आदमी इसकी एक एक पल पल की खबरें देता था मुझको। क्या? ये 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 झूठ बोल रहा है। झूठ? अबे मैं सच्चा इंसान तुझे झूठ बोलेगा? अबे झूठ तो ये बोल रहा है, ये लोगों के ना घरों में जाता था रात में और बकरों के मुंह से ना चारे चोरी करता था और उन्हीं को आधी कीमत में बेचता था, मक्कार कहीं का। अबे और तो आपका बकरा चोरी हुआ? हाँ हाँ। अबे जोर से बोल। हाँ ना, इसने चोरी किया था और आपको इसने आधी कीमत में बेचा। ओ, ऐसा किया? जैसा भी किया, ये बताओ मेरा नुकसान कौन भरेगा? हाँ हाँ, करेंगे तुम्हारा नुकसान पूरा करेंगे। झूठा इंसान, ये देखो, ये तूने कहा
कि ये हार असली है, अब ये नकली हार है, अब शुक्र कर मैं बेचने नहीं गया, वरना ना पुलिस ऐसा सा मारती ना ऐसी सी जगहों पे ना कि मैं बता नहीं सकता। अरे मेरा हार ये तोड़ दिया। अबे ये आधा हार क्यों है भाई? आधा ये रहा। अबे ओए, ये तुमने अपनी बेगम को नकली हार तोहफे में दिया था। गुलाम जी जी, एक ही तोहफा तुम्हारे घर वालों ने मुझे दिया था शादी पे, और वो भी नकली। कसम से बेगम, कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये नकली हार है, मुझे नहीं पता था। जो भी था मेरा नुकसान कौन पूरा कर रहा है? इधर इधर चोर कहीं का कहाँ भाग रहा है? ये असल चोर तो ये है और ये भाग रहा है। अरे भाई, मेरा नुकसान कौन पूरा करेगा? होगा होगा होगा, इस ईद पर तीन कुर्बानियां होंगी, एक इस बकरे की, दूसरी मेरे बाप की, और तीसरी। भाई साहब, तीसरी किसकी? तीसरी तेरी होगी। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।